सो जिनके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो लोग इजली अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाके इजली शॉपिंग कर लेते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे उन लोगों के लिए आती है जिनके पास ना तो क्रेडिट कार्ड है, ना ही कोई क्रेडिट लिमिट है, यानी पे लेटर भी नहीं है। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो तक आए हो तो मैं इस वीडियो में एक ऐसा मेथड बताऊँगा जिस मेथड को यूज़ करके आप किसी बैंक के डेबिट कार्ड से EMI पर मोबाइल को इजली बाय कर सकते हो। इसके लिए आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लिमिट होने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपके पास किसी बैंक का ATM कार्ड है, यानी डेबिट कार्ड है, तो फिर इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना। इस वीडियो में सारा कुछ हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, एक ही पार्ट को स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आगे भी इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अमेजन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। देखिए, आप सबसे पहले अमेजन को एक बार लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आप ओपन करके सर्च करोगे जो भी आपको डिवाइस चाहिए, जो आप बाई करना चाहते हो। जैसा कि मान के चलो मुझे ये IQ Z7 को मुझे बाई करनी है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मुझे लेना नहीं है, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताऊँगा। अब मान के चलो इसको बाई करना है डेबिट कार्ड EMI पर। क्रेडिट कार्ड की यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ना तो यहाँ आपको मिलेगा एक ऑप्शन, देखेंगे तो ऑल EMI प्लान, सिंपल आप इस पर टाइप करेंगे। इस पर टाइप करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा एंड यहाँ आपका अदर EMI का ऑप्शंस के अंदर ओनली क्रेडिट कार्ड का ही फीचर्स देखने को मिलेगा। डोंट वरी, यहाँ मिलेगा अमेजन पे लेटर, आप इस पर टैप करके, अगर आपके पास कोई अमेजन पे लेटर होगा तो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ का फीचर, जो कि EMI आप करवा के अमेजन पे लेटर बैलेंस को भी यूज़ करके आप प्रोडक्ट को बाई एंड परचेस कर सकते हो। हालाँकि मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो मिडिल में ऑप्शंस मिलेगा डेबिट कार्ड EMI, जस्ट आप इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस होगा और इसमें इस डिटेल्स में यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है कि अगर आपको डेबिट कार्ड पे कोई प्रोडक्ट को बाई करनी है तो कम से कम उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना वो 5000 से एबव होना चाहिए, यानी 5000 से ज़्यादा का ही प्राइस को आप डेबिट कार्ड EMI पे लेकर मतलब बाई कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा क्लिक हेयर, इस पर सिंपल टैप करेंगे। इस पर टाइप करने के बाद आप थोड़ा अच्छे से फोकस करना, यहाँ पर आपको 4 बैंक का ऑप्शंस मिलेगा, HDFC, कोटक, एक्सिस और ICICI। इन चारों बैंकों में से आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो फिर आप डेबिट कार्ड EMI पे प्रोडक्ट ले सकते हो। वो कैसे करना है, आप सिंपल से अगर आपके पास ICICI का बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है SMS DCEMI, ये कैपिटल लेटर में आपको टैप करना है मैसेज वाले सेक्शन में, स्पेस करके आपने ICICI बैंक के डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट इंटर करके इस नंबर पर आपको सेंड करना होगा 5676766। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ये मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उनको मैसेज सेंड नहीं हो रही है, सेंड में प्रॉब्लम आ रही है और वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा मैसेज प्लान है 100 मैसेज अवेलेबल जो मिलते हैं पर डे का, वो लिमिट मेरे पास है लेकिन हम मैसेज को सेंड नहीं कर पा रहे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करना होगा कि उस प्लान के अंदर मेन बैलेंस में कितना बैलेंस शो हो रहा है। अगर मेन बैलेंस 0 दिखा रही है तो फिर आपको 10 रुपये का एक टॉपअप करना होगा, उसके बाद आप मतलब इस पे मैसेज कर पाओगे, ठीक है। तो ICICI के लिए यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, एक्सिस के लिए भी नंबर है, कोटक के लिए भी और HDFC के, सबका नंबर अलग अलग है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये जो टेस्ट मैसेज है ना उस सबका ऑलमोस्ट एक ही मैसेज करना है, सिर्फ HDFC का मैसेज का जो फॉन्ट है वो अलग है, टेस्ट जो है उसका अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। अब जब मैसेज कर लोगे ना तो मैसेज करने के बाद ऊपर उधर से आपको एक रिप्लाई देखने को मिलेगा। चलिए मैं मैसेज को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मुझे ICICI की तरफ से मैसेज मिला हुआ है, डियर कस्टमर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर EMI बेसर ट्रांजेक्शन थ्रू योर डेबिट कार्ड एंडिंग, मेरा डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट, मतलब अपने मैं ICICI डेबिट कार्ड से मैं एलिजिबल नहीं हूँ इस प्रोडक्ट को बाई एंड परचेस करने के लिए। हो सकता है आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर मिल जाए तो आप डेबिट कार्ड से बाई कर सकते हो। अब जब ऑफर मिल जाएगा तो आपको बाई कैसे करना है वो चीज़ सीख लेते हैं। सिंपल यहाँ से बैक कर लेंगे और बैक करने के बाद आप इस प्रोडक्ट पर आ जाएंगे जहाँ आपने जिस प्रोडक्ट का आपने चूज करके रखा हुआ है, ठीक है। इस मान के चलो मुझे ई वाला बाई करना है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ मिले बाय नाउ, इस पर सिंपल टैप करेंगे। बाय नाउ पे टैप करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके स्क्रीन पर शो होगा। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है। ये तो है अमेजन पे लेटर, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, आप यहाँ भी अब EMI में प्रोडक्ट को ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ मिलेगा EMI, आप सिंपल से EMI पे टैप करेंगे। अब मिलेगा यहाँ पे सिलेक्ट EMI ऑप्शंस पे टैप करेंगे, अब मिलेगा अमेजन पे लेटर और ऐड न्यू कार्ड पे टैप करेंगे। अब यहाँ आपको कार्ड का नंबर को फिल करने का एक बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी आपका नाम रहेगा और बस आपको कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट इंटर करनी होगी। तो देखिए आपका जो डेबिट कार्ड है ना उस डेबिट कार्ड का फुल नंबर इसमें इंटर कीजिएगा और उस डेबिट कार्ड में जो भी एक्सपायरी डेट मेंशन होगा वो डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट यहाँ पे मतलब मेंशन कीजिएगा
और मेंशन करने के बाद इंटर कार्ड डिटेल्स पर टैप करके आप कोई भी प्रोडक्ट को डेबिट कार्ड ईएमआई पे बाय कर सकते हो और कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अलावा मेरा एक वीडियो है चैनल पर, स्नैपमिंट एक ऐसी एप्लीकेशन है दोस्तों जहाँ पर आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो अलग अलग वेबसाइट से 0% ईएमआई पर आप कोई प्रोडक्ट को बाई एंड परचेज कर सकते हो। उसका भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, बट भूल जाऊं तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।